Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare आज बड़ा शुभ अवसर है बहुत बड़ा शुभ दिन है क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ एक यज्ञ अनुष्ठान किया और भगवान कहते हैं भगवत गीता में अन्नात भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः कि जितने भी जीव हैं सब जीवों के भरण पोषण के लिए भगवान है अल्टीमेट हमारे मेंटेनर हमको पालन करता है पालनहार है कैसे पालन करते हैं हम सबको खाने के लिए भोजन जल वायु सांस लेने के लिए सब कुछ भगवान ही प्रदान करते हैं बाकी सब हम जो कहते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं हम मेहनत करते हैं कमाई करते हैं अगर भोजन ही नहीं मिलेगा जैसे ब्रेड खाते हैं तो गेहूं ही नहीं होगा धान नहीं होगा तो खाली कमाई करने से कहां से आएगा कुछ तो खाना पड़ेगा मेंटेन के लिए जीवन कैसे धारण होगा इसलिए भगवान उसको प्रदान करते हैं अन्नात् भवति भूतानि सब जीवों को जल आहार और विशिष्ट वायु भी जो वायु हम हर क्षण सांस में लेते हैं वो वायु भगवान प्रदान करते हैं जगत में जो वायु है इसलिए भगवान हमारे वास्तविक पालन करता है कृष्ण हमारे पालन करता है और रक्षा करता है रखे स्थिति विश्वास गुप्तृत्य वर्णन तथा और ये बात को जो अनुभव कर लिया कि भगवान ही हमारे पालन करता है तो हमारा भगवान के पाद पद्म में शरणागति भाव आ जाएगा खाली इतना अगर अनुभव कर लेंगे कि हम जो सुख अनुभव करते हैं जो कुछ भी इस जगत में प्राप्त करते हैं सब कुछ उनके ही है और उनकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है तो हमारा शरणागति भाव उनके चरण में हो जाए और भगवान कहते हैं कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः और ये सस्य जो भी उत्पन्न होता है उसको बारिश वर्षा के द्वारा मौसम के द्वारा ही ये पालन पोषण होता है भगवान आपने प्रकृति देवी को निर्देश दिया है कि जीवों की कल्याण के लिए खेत में जितना भी सस्य होगा वो सब प्रकृति के द्वारा ही माया दक्षिण प्रकृति श्रेयते सचराचर प्रकृति देवी भी उसको प्रदान करते हैं उनके द्वारा ही सस्य प्रोडक्शन होता है और बाकी ये सब कैसे चलेगा ना यज्ञ कर्म के द्वारा यज्ञात् भवति पर्जन्य प्रकृति ठीक से फंक्शन क्यों नहीं करता अभी के समय में जिस समय उचित समय पे उचित मौसम क्यों नहीं है वैदिक समय में रात्रि काल में बारिश होता था और दिन में लोग यात्रा जीवन निर्वाह करते थे कोई बाधा नहीं आता था अभी कभी भी बारिश हो सकता है कभी भी कुछ हो सकता है मौसम का कुछ ठिकाना नहीं और जितने भी मेहनत करते हैं जितना उतना प्रोडक्शन भी नहीं आता है सब लोग के अभाव दुख क्यों क्योंकि यज्ञ कर्म नहीं होता है हम जो यज्ञ किया ये यज्ञ क्या था ये वैष्णव होम ये जो अग्नि है ये कोई अग्नि देवता नहीं है साक्षात विष्णु ही अग्नि देवता है यहाँ
हम जो आह्वान करते हैं ये वैष्णव अग्नि है, समुद्भव अग्नि, अनेक प्रकार की उसमें है। अरे भगवान साक्षात ही यज्ञ वही विष्णु, वास्तव में भगवान विष्णु ही यज्ञ की स्वरूप है, कृष्ण की ही उनकी स्वरूप है। और उनको हम लोग पूजा की आराधना किया, उनको आहुति प्रदान किया मंत्रों में, जो जो भक्त के अंदर में जो भाव है कि हमको ये प्राप्त हो, भक्ति में कैसे अग्रगति हो, कैसे सर्वत भावना हमारा कल्याण हो, वो सब कल्याण प्रदान यज्ञ से हमको प्राप्त होता है। और कलयुग में ऐसे यज्ञ जैसे हम देखा, इससे भी और बहुत इसके रूल्स रेगुलेशन से नीति नियम है, सब जीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग के जो यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेन सा, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान के नाम यज्ञ, भागवत कथा भी कथा यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, अन्न यज्ञ, जो अन्न भंडारा करते हैं सबको वितरण करते हैं सबके कल्याण के लिए, वो भी अन्न यज्ञ है। लेकिन सबसे बढ़कर के संकीर्तन यज्ञ है, हम ये यज्ञ के द्वारा संकीर्तन के माध्यम से करते हैं, ये कंबाइन हम आज जो कर रहे हैं इसमें सब कुछ कंबाइंड है कि इसमें हम लोग अन्न वितरण करेंगे, महाप्रसाद सबको देंगे, और इसमें घृत यज्ञ भी है, भगवान विष्णु की हम लोग आराधना किया, घी प्रदान किया, आहुति प्रदान किया, सब प्रकार सात नाम संकीर्तन के माध्यम से किया, जो भी कमी था हरिनाम संकीर्तन से पूर्ण हो गया, ये बहुत कल्याणकारी है। और जो लोग इसमें भाग लिया सबको भगवान के कल्याण प्राप्त हुआ। इसलिए आज के दिन ये वर्ष के ये साल के जो शुभारंभ है, शुरुआत हम लोग हरिनाम संकीर्तन और ये वैष्णव यज्ञ से प्रारंभ किया, क्योंकि सारा जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसके प्रारंभ में सबसे भगवान को ही रखना चाहिए। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरण हैले है विघ्न विनाश। अगर हम भगवान घर से निकलते हैं कोई काम प्रारंभ करते हैं उससे पहले अगर भगवान विष्णु की पूर्ण रूप में संपूर्ण रूप में आराधना करते हैं, भगवान को संतुष्टि करते हैं, प्रसन्न विधान करते हैं, तो हमारा कार्य पूर्ण रूप में क्या होगा ना, संपूर्ण हो गया और सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। इसलिए आज हमारे ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जो टेम्पल है, मंदिर है, या जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रचार कार्य कर रहे हैं जगत की, हम लोग तो अपना जीवन को तो कल्याण करते ही हैं, धाम यात्रा करते हैं, धाम वास करते हैं, साधु संग करते हैं, हरिनाम करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, और ये सब सेवा के बाद अपना कल्याण तो हो गया, दूसरों के कल्याण कैसे होगा, दूसरों के पास ये वाणी कैसे पहुंचा जाए, इसके प्रचार माध्यम से, इस प्रकार ये कार्य किस प्रकार सफल हो, इसलिए हम लोग ये अनुष्ठान किया, ताकि हम लोग सारा जगत में किस प्रकार ये वाणी प्रचार हो पाए। भगवान कहते हैं, गोपियां कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि तब कथामृतम तब तजीवन, तब कथामृतम तब तजीवन, कवि विरेड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगल गृणते ये भूरिदाजना तब कथामृता तीवन कवि विरेड़िता श्रावण मंगल श्रीमता
tata bhumi grunati purida jana. हम लोग श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में ये पद्य देखते हैं कि गोपी लोग गोपियां इसको गान करती हैं कि भगवान की कथा मृत क्या है, भगवान की कथा भगवान के नाम चरित्र कैसे अमृत के समान है। अमृत पान करने से एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं आएगी, जल्दी मृत्यु स्पर्श नहीं करेगा उसको, रोग व्याधि सब चले जाएगा, सब प्रकार की अशांति दुख ही भग चले जाएगा। तो ये भगवान की कथा इस प्रकार है, अगर हम किसके कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान की कथा भगवान के नाम संकीर्तन भगवान की वाणी ही देना चाहिए। दूसरे वस्तु से एक जीव के कल्याण नहीं होगा हम जो भी करते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि हम इस कथा में किस प्रकार ये भगवान की वाणी प्रचार होगा, भगवान के नाम संकीर्तन के प्रचार होगा, इसके द्वारा सारा जगत के कल्याण होगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, एक जीव जो संतप्त है संसार की आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख से जर्जरित है, कितना क्लेश कितना कष्ट पा रहे हैं संसार में सभी जीव, कोई भी शांति में नहीं है, अशांति दुख है, और ये भगवान की कथा भगवान के नाम अमृत के समान उनके जो दुखमय जीवन को सुखमय बनाएगा। तब तो जीवन कभी भी रीडितम कर्मशः, कभी लोग बड़े बड़े मुनि ऋषि बड़े बड़े भक्त लोग संत लोग भगवान के जितने भी प्रिय भक्त नारद जी उद्धव जी शंकर जी सभी लोग इसको गान किया इसके महिमा को। कर्मशापहम, जितने प्रकार की कर्मस है मैला है अमंगल है अशुभ है उसको पूर्णतया साफ कर सकता है, इसको नाश कर सकता है, अमंगल बिल्कुल नाश हो जाएगा, अशुभ डूब चले जाए, कल्याणी होगा शुभ ही होगा। कर्मशापहम श्रवण मंगलम, अगर भगवान की कथा कीर्तन नाम कीर्तन को श्रवण करेंगे हमारा मंगल होगा। भगवान की कथा भगवान के नाम भगवान के संबंधित कथाओं को छोड़कर बाकी ऐसे कोई वस्तु जगत में नहीं है जो कि हमारा कल्याण कर सकता है, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं जगत में जितने भी वस्तु हैं सब में कुछ ना कुछ अशुभ और अमंगल है, क्योंकि माया जगत है, दोष के द्वारा युक्त है। सिर्फ भगवान की कथा ऐसे निर्मल है, कोई दोष नहीं उसमें, कोई अमंगल उसमें नहीं है, और इसको कल्याण प्रदान करने वाला है। इसलिए श्रवण मंगल, इसको श्रवण करने से अगर हम लोग नाम हरिनाम श्रवण करते हैं और करते हैं भी स्वयं दूसरों को बताते हैं, अपने जन्म को जीवन को सार्थक करके दूसरों को कल्याण भी करते हैं, इसके द्वारा मंगल ही मंगल प्राप्त होगा। मंगल मंगल नाम मधुरम मधुरम एतन मंगल मंगल नाम, भगवान के नाम मधुर से मधुर है, जितने भी मधुर वस्तुएं उनमें से भी अधिक मधुरतम है, और मंगल से मंगल मंगल नाम, और जितने भी मंगलमय वस्तु है उनमें से भी अधिक मंगलमय है भगवान के नाम, भगवान के चरित्र भगवान की कथा। श्रवण मंगलम, इसको श्रवण करने से हमारा मंगल होगा, यही प्रयास करके ही इधर सेंटर बनाया गया है भक्ति योग सेंटर। क्यों? क्योंकि यहां हम भगवान की कथा श्रवण करने के अवसर प्राप्त करेंगे और हमारा मंगल होगा। मंगल को वितरण करने के लिए ही सेंटर है जहां फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है। श्रवण मंगल श्रीमतातम, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है श्रीमत, सबसे पूज्य सबसे श्रेष्ठ भूभी गृणंति जे, और भगवान की ऐसे मंगलमय मधुरमय
कथा भगवान के नाम चरित्र अमृत का जो लोग जगत में वितरण करते हैं बांटते हैं वो लोग कैसे हैं? भूभी गृणंति जी, जो लोग इसको गान करते हैं, जो लोग इसको वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, द्वार द्वार जाकर, देश प्रति देश जाकर, व्यक्ति से व्यक्ति लेकर, मीडिया से लेकर, किताबों से, सब प्रकार के माध्यम से जो लोग इसको वितरण करते हैं, गान करते हैं, वो भी गृणंति जी भूरी दान जना, जगत में वही व्यक्ति लोग सबसे बड़ा दानी है, उनसे बढ़कर दानी और कोई नहीं है, भूरी दान जना। इसलिए वो व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है जो जगत में भगवान की ऐसे वाणी कल्याण मैं वाणी को वितरण करते हैं, दूसरों को बिना मूल्य में फ्रीली देते हैं। इसलिए हम सबका कल्याण हो। इसे हैप्पी न्यू ईयर मतलब क्या है? लोग तो क्या समझ रहे हैं हैप्पी माने, हम नहीं जानते। हमारे अर्थ में, हम लोग की शास्त्र के विचार में, कि हम लोग जो भी श्रवण करते हैं, हम लोग अपने गुरु वैष्णव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हर वाणियों को, हर शब्द को शास्त्र के फिल्टर में फिल्टर करते हैं। इसे कहते हैं कि शास्त्र पूतं ब्रजेत वाक्यं, वस्त्र पूतं पिबेत जलं। पहले टाइम, आजकल तो फिल्टर आरो मशीन हो गया, फिल्टर मशीन। पहले वस्त्र से जल को फिल्टर करते थे, हाँ, कपड़ा डाल करके जल को, हाँ, नदी के जल लाकर कपड़ा में फिल्टर करके उसको पीते थे। वस्त्र पूतं पिबेत जलं। और वाक्य कैसे होना चाहिए? जल तो पीना चाहिए फिल्टर करके। उस प्रकार जितने भी शब्द हमारे पास आते हैं, हम सुनते हैं, बहुत शोर से सुनते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं, बहुत व्यक्ति बोलते हैं, टेलीविजन बोलता है, न्यूज बोलता है, आजकल के समाचार भी बहुत सारी चीज बोलते हैं। ये सब जैसे लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, उसको अगर शास्त्र की दृष्टि से विचार करें, शास्त्र पूत ब्रजित वाक्यम अर्थ क्या है? शास्त्र के द्वारा प्यूरिफाई किया गया, शुद्ध किया गया। अगर शास्त्र को फिल्टर कर दिया जाए, शास्त्र के माध्यम से फिल्टर होकर जो वाणी पहुंचता है वो शुद्ध होता है। हैप्पी माने सुखी होना, आनंदमय होना। कैसे आनंदमय होंगे? न्यू ईयर माने क्या? न्यू माने नया, नव नवायम। जो समय आने वाली समय किस प्रकार हमारे जीवन में पूर्ण रूप में आनंदमय हो, नव नवायमान हो, इसी को आशा करके दूसरों की हम शुभकामनाएं करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर इसका अर्थ हुई। नव नवायमान हम कैसे हो सकते हैं? हमारा तो बड़ी तो ओल्ड है, हम लोग तो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, क्योंकि ये संसार में यही सत्य है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज जन्म लिया है वो धीरे धीरे मृत्यु के समीप जाता रहता है, नजदीक जाता है कि एक ना एक दिन उसका मृत्यु ही आएगा। जन्म मृत्यु जरा, दिन प्रतिदिन हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, शरीर जरा जीर्ण हो जाएगा। आज जवान है, युवक है, आज किशोर है, काल युवक है, युवक होने के बाद धीरे 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 बूढ़ा हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा पूर्ण रूप में वार्धक्य आ जाएगा और मृत्यु भी हो जाएगा। मृत्यु किसी भी समय में हो सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और व्याधि माने बीमारी, बहुत प्रकार की रोग बीमारी। इतने हॉस्पिटल से, यहाँ तो बड़े बड़े और दूसरे हॉस्पिटल है, साइको हॉस्पिटल और बड़ा है, दूसरे नॉर्मल हॉस्पिटल से और बड़ा है, जो शारीरिक तो शरीर को फिट करने के बाद वो मानसिक रोग इतने बढ़ जाता है कि हॉस्पिटल भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन गए, तो व्याधि से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो ग्रस्त है हम लोग, किस प्रकार सुख पाएंगे, किस प्रकार आनंदित होंगे?
हमारे जीवन में आनंद होने के एक ही रास्ता है, वो क्या है? मंगलमय भगवान विष्णु। भगवान के नाम संकीर्तन करें तभी हम जीवन में सुखी हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। भगवान के भजन करेंगे तभी सुखमय हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। और भगवान ही साक्षात वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन, जो नव नवायमन ऑलवेज फ्रेश न्यू कौन हो सकता है? सिर्फ साक्षात भगवान ही हो सकते हैं। और भगवान के साथ अगर कोई जुड़ जाता है, चाहे हमारा शरीर ही जराग्रस्त क्यों ना, क्योंकि हमारा चेतना, हमारा जो व्यक्ति है आत्मा, सब समय भी वो भी सब समय नए, नव नवायमन, ये अनुभव सबसे होगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं, वो हृदय में आत्मा में नहीं अनुभव कर पाएगा। जो भगवान के भजन में रहता है सब समय, उसके लिए दुख व्याधि जरा इसका कोई अर्थ नहीं, सब समय आनंद ही आनंद। प्रतिपदे पूर्णामृता आस्वादनम, शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति, हरिनाम ग्रहण करने वाला व्यक्ति, प्रतिपदे पूर्णामृता आस्वादनम, प्रतिपदे पूर्ण अमृत को आस्वादन करते हैं, प्रति पदक्षेप में, सब स्टेप में, हर समय हर पल, उसके लिए न्यू ईयर की कुछ अर्थ है। अर्थात उनके आनंद के लिए आने वाले जो समय है सब समय ऐसा ही बीते। कैसे संभव होगा? हम सब समय साधु संघ में, संत लोगों के संघ में सब समय हरिनाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, उसमें हम लोग समय बिताएंगे तो हमारे लिए ये समय हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमारा जैसा अवस्था ऐसा ही चलेगा, व्याधिग्रस्त जराग्रस्त होकर के हम लोग दुख में सड़ते रहेंगे, जर्जरी छूते रहेंगे। इसलिए आज इतना ही मैं संदेश देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से हृदय में धारण कीजिएगा। ये एसेंस है कि हरिनाम, ये भगवान सत्संग, भागवत कथा, ये कितने जीवन में महत्वपूर्ण है। मैं संक्षेप में आप लोग को ये बताया, आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर बहुत जल्दी आप लोग से मुलाकात होगा, यहाँ उत्सव होगा, प्रोग्राम होगा, कभी भी ओकेजन होगा, कोई भी अवसर आए जरूर आप लोग शामिल होइए और आनंद उठाइए और जीवन को सुखमय कीजिए। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन एक जनक सचि नंदन श्री गौर हरि की जय। जय श्री रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय, समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। साथ में दो मिनट आप लोग हरिनाम हमारे साथ कीजिएगा, उसके बाद महाप्रसाद पा करके घर जाइएगा। और आज के दिन याद रखिएगा, फिर बहुत जल्दी इस समय अच्छा से गुजरने वाला है। आज पहला दिन है, कहते हैं कि पहला दिन में जो करेंगे उसका प्रभाव सारा साल भर पड़ेगा। कहते सुबह उठ के जो चिंतन करोगे सारा दिन में उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुबह उठ के पहले ठाकुर जी दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं। इस प्रकार अगर हम साल के पहले दिन में अगर हम लोग यज्ञ किया, हरिनाम किया, हरि कथा श्रवण किया, तब सारा साल भर हमारा ऐसे ही अच्छा से बीतेगा। भगवान हमारी सुरक्षा करें और हमको सब समय आनंद में सुखी रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब लोग आइए। कृष्णा
Thank you.
Jai Jai Srinadhe, Jai Jai Srinadhe.